नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्वम टेक में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपी पुलिस में जो 41,520 की लोगों की भर्ती निकली है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको ब्राउजर में ये वेबसाइट खोलनी है, prpb.gov.in। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद ये खुल के आ जाएगा पेज। उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन में यहाँ क्लिक करना है। जब हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। हमें फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने का एक और नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर। हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अंक लिखे हुए आप पढ़ लें, जैसे कि अपना जो नाम है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाले, पिता का नाम, आप जन्मतिथि वगैरह, ये सारी चीज डालनी है। आपको डोमिसाइल डालना है, ये सारी चीज लिखी हुई है। अपनी एक ईमेल आईडी की जरूरत है, आपको एक मोबाइल नंबर की जरूरत है, ये सारी चीज में छोटी छोटी लिखी है, वो आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 अपलोड फोटो एंड साइन, स्टेप 3 फाइल रिमेनिंग डिटेल्स, स्टेप 4 ये फी डिपॉजिट, स्टेप 5 प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी हम स्टेप 1 करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालेंगे, नेम डाल लेते हैं। आप ये नेम है वो पूरा हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालें। अपना नाम डालेंगे, अपने पिता का नाम डालें। पिता का नाम डालने के बाद अपनी माता का नाम डालें। माता का नाम डालने के बाद अपना सिटीजनशिप डालें, आपकी नागरिकता क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया मैं चूज करूंगा, जैसे ही आपकी वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आगे प्रोसेस बताता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद नीचे फिर है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप हैं तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। मैं यस कर देता हूँ। यहाँ लिखा है फॉर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू क्लेम एनी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। अब यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, प्लीज फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन यू आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। फिर हैव यू सर्व्ड एज यूपी होम गार्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर और हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर आप हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इन सब चीज को भरने के बाद आपकी होम स्टेट आएगी, इसमें उत्तर प्रदेश। फिर होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी आप चूज कर सकते हैं। फिर आपको चूज करना है आर यू आर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर आप हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। फिर आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, जनरल एससी एसटी ओबीसी जो भी है आपकी। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद अपना जेंडर भर सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल। हम स्क्रॉल करते हैं और फिर आगे बताते हैं क्या यू मेरिट। अगर आप मेरिट है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। अपना मोबाइल नंबर अंकित कीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी अंकित करिए, जो भी आपकी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छी तरह डालें, जो कि आगे यूज होगी। और अपना आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो डाल दीजिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। मेरे पास है, मैं डाल दूंगा। ये सब भरने के बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी होगी। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये कुछ कह रहा है, आई एग्री टू यूज माई आधार नंबर एज ऑथेंटिकेटेड माई आइडेंटिटी फ्रॉम यू आई डी। माई आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन विल बी यूज फॉर ईकेवाईसी फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। आप टिक कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ ये पूछ रहा है अपनी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड की, 12th की, और ये और कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो उसका। मैंने अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर दी है। उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड डाल देता हूँ, जो कि यहाँ लिख के आ रहा है। एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लें।
मैंने अपनी चेक कर ली, अब मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये कह भी रहा है प्लीज कंफर्म डिटेल हो गए। वो आप स्टेप टू आता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी आती है जो आपने पहले भर रखी है। देखिए आपकी एजुकेशन डिटेल वगैरह वो सारी आ रही है। फिर अब मैं यहाँ क्लिक करना है क्लिक हियर टू अपलोड फोटो एंड साइन, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा, फिर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं। फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन खुल जाएगा, स्टेप थर्ड फाइल रिमेनिंग डिटेल। आई डिक्लेयर आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल। इसके बाद जो आपकी जो नीचे पुरानी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो लिख के आ रही है, और यहाँ देखिए कैंडिडेट जो डोमिसाइल है उसकी डिटेल डालनी है। तो यहाँ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी से अथॉरिटी, इसमें डालना है एसडीएम, मेरा एसडीएम लिखिए, आपका जिसने भी किया उसका डलेगा। फिर आपको वो डेट डालनी है जब वो इश्यू हुआ है, जो आपने 10th और 12th की जो पहले इन्फॉर्मेशन होती थी वो दोबारा लिख के आने लगी, वो आप रीचेक कर लें। फिर उसके बाद ये पूछता है जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट है वो हैगा तो यस कर दीजिए, मेरे पास नहीं है। और आपने क्या कभी आर्मी वगैरह में काम किया है तो यस कर सकते हैं, और आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो उसे भी आप पा सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है डिफेंड ऑर्डर ऑफ डिफेंस, मतलब आप पहले किस में जाना चाहेंगे, कॉन्स्टेबल वाले में या पीएसी वाले में। तो जैसे आपको जाना है उससे पहले टिक लगाइए, जिसमें बाद में जाना है उससे दूसरे पे टिक लगाइए। हमें नीचे स्क्रॉल कर आगे आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको अपना दो एड्रेस डालना है, एक तो डालना है परमानेंट एड्रेस वो यहाँ डलेगा, और मेलिंग एड्रेस यहाँ डलेगा। आपके फोटो आनी है राइट हैंड पे लिख के डिक्लेरेशन है, और आपको एक्सेप्ट यहाँ पर यस करके प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन वो भरी थी वो सारे लिख के आने लगी। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे जो स्विंग अथॉरिटी का नाम बना था वो सारा सब कुछ लिख के आने लगा है। तो कैप्चा कोड डालना है, मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। चौथा ऑप्शन होता है स्टेप फोर, फी डिपॉजिट एंड फाइनल सबमिशन करना होगा। क्लिक टू फी डिपॉजिट अगेंस्ट पार्शियली सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। हमारे सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फी टैप रिक्रूटमेंट, फी 7400। नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर हमें करना है प्रोसीड टू फी डिपॉजिट। करने का हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज आता है। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे भी अपना फॉर्म की जो फीस भरना चाहे भर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो 11 रुपये लगेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन, आप जिससे भी करना चाहते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक कर सकते हैं। पेमेंट पूरा होने के बाद आप अपनी रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, या फिर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ क्लिक कर दिए प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन। यहाँ पे क्लिक करने का देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा से आने लगी है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, या फिर यहाँ क्लिक करिए क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे क्लिक करने का देखिए आपका जो फाइनल सबमिशन है वो सब कुछ लिख के आने लग गया है, और आप इसे यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ कि सरकारी फॉर्म वगैरह कैसे भरें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।